नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रजनी राठौर। रजनी राठौर जी, जरा थोड़ा आएंगे आप बोलेंगे, क्या नाम? रजनी राठौर। रजनी राठौर जी, रजनी राठौर जी, बताएंगे आप क्या नशा करते थे? स्पास्मोफ्लॉक्सिवन कैप्सूल। कब से खा रहे हैं आप रजनी जी? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। आप शादीशुदा हैं? आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैं शादीशुदा, मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, अच्छा। तो ये भाई साहब कौन है? मेरे पति हैं। पति है, इसका मतलब आप पहले भी आ चुके हैं हमारे पास, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ ये कौन है। पहले आ चुके हैं आपके पास। अच्छा, कैसी परेशानी थी आपको पहले? बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बेचैनी होती थी, मतलब कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। कितने, अभी जैसे आपने बताया कि 10-12 साल से ले रहे थे, तो बताएंगे कैसे आपको आदत पड़ी इसकी? शादी के बाद मतलब पेट में प्रॉब्लम हुई, तो मैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया, 1-2 बार गए, उन्होंने यही दिया, फिर मैं अपने आप ही लेने लगी। फिर धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई, ज़्यादा खाने लगी, हद से ज़्यादा खाने लगी। इससे क्या हुआ, मेरी आदत भी होगी, किसी भी तरह छोड़ नहीं पाए थे। तो मतलब धीरे 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 10-12 साल से आप इतना इन कैप्सूल, इतनी दवाइयों का जो है, इतने आदि हो गए कि आप छोड़ नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी परेशानी होती होगी आपको? बहुत बेचैनी, शरीर में दर्द। आपके, आपने बताया ना आपके 3 बच्चे हैं, तो बड़ा बच्चे का नाम क्या है? 12 साल की बच्ची है। 12 साल की बच्ची है, क्या नाम है उनका? रुचिका राठौर। और दूसरा बच्चा? 8 साल का है, मानसो राठौर। तीसरा बच्चा? 6 साल का, दीपांशु राठौर। तो मतलब 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे 12 साल की उम्र में 3 संतान की आपको प्राप्ति हुई, और 3 संतान आपकी पढ़ते लिखते बच्चे? बच्ची 7th क्लास में, एक बेटा 4th में, 1 1st में। तो आप बताएंगे आप रहते कहाँ हैं? फरकाबाद में। तो फरकाबाद में रहते हैं कुछ, वहाँ पर आपको ये नशे की चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं? तो मतलब केमिस्ट है आपके परिवार में, तो वो आपको नेगेटिव सपोर्ट देते रहते थे, नशे की दवाइयाँ देते थे, कभी उन्होंने मना किया नहीं खाना चाहिए? उनसे मेरी बात नहीं होती है, मेरा मुंह होता है, लगते नहीं। अच्छा, बात नहीं, तो पर उन्हें ये तो पता है ना, जेठा मतलब ये तो पता है ना कि आप उनकी घर की बहू लगती हैं, तो आपको ये तो पता होगा ना उनको, फिर भी वो आपको देते थे? वो कुछ बोलती नहीं है, केवल उनका पैसे में दे दो, मतलब पैसा दे दो तो वो जहर दे देते हैं। तो कभी आपने कंप्लेंट नहीं की उनकी? कभी नहीं कंप्लेंट की? नहीं, उनसे बोला, बोले नहीं देंगे, नहीं देंगे, पर फिर भी दे देते थे, मतलब सख्ती से पेश नहीं आए। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ प्रिंटिंग का काम करता हूँ। प्रिंटिंग का काम करते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? कर रहे हैं 95 से। लगभग कितना कमा लेते हैं आप? वही 10,000। 10,000 रुपये कमाए, तो 10,000 रुपये में आप यहीं रहते हैं, कभी कभी घर जाते हैं, ऐसा ही है ना? तो घर बार चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही 10,000 रुपये में? बच्चे सही ढंग से पढ़ रहे हैं? हाँ जी, तो आप बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी परेशानी होती थी, काफ़ी तकलीफ होती थी, और नशा बड़े आराम से मिल जाता था, कभी इसके बारे में कभी समझ नहीं पाई, और हालात बस से बदतर हो गए, तो आपके 3 बच्चे अपने घर में हुए, अस्पताल में हुए? हॉस्पिटल दिल्ली के हॉस्पिटल में हुए हैं। तो 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए? 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी परेशानी आपको, तकलीफ झेलनी पड़ी। जब भी आपके बच्चे हुए तो नशा करते थे, बच्चों की तबीयत ठीक है वैसे? बच्चे ठीक है। बच्चे मानसिक रूप से ठीक है? सावधान रहिए, एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी भी इस चीज़ का नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, कभी भी किसी माँ बहन को इस चीज़ की जानकारी दो, अगर वो इस तरह के नशे के आदी है तो उनको जानकारी दो, ऐसा नशा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब कि आपने पहले भी यहाँ पर आए, पहले आपकी कंडीशन बहुत कमज़ोर थी, काफ़ी आप वो थे, अब तो काफ़ी आप तंदुरुस्त भी हो गए, पहले से चेहरा भी काफ़ी आपका साफ हो गया, भर गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से दवाई ले गए थे, आप यहाँ से परामर्श भी ले गए थे, तो काफ़ी बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? कितने दिन से? 1.5 महीना। 1.5 महीने से आप दवाई ले रहे हैं, 1.5 महीने से बिल्कुल ठीक है? कोई मतलब
कोई परेशानी नहीं हो रही। पर तकलीफ होती है आपको आज भी? दर्द वगैरह होता है, सर में बहुत तेज दर्द होता है, पेट में। तो जो आपको तकलीफ होती है उसकी दवा आपने ढूंढ रखी है, नशा नहीं करना और दवाई टाइम से लेनी, यही है ना? दवाई का टाइम से लेना और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है ना। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? आपको तकलीफ अगर बढ़ती रहेगी, तकलीफ आपकी कम ज़्यादा होगी तो क्या आप नशा करेंगे? सोचेंगे नहीं। वेरी गुड, वी पॉजिटिव। बहुत अच्छा महसूस लग रहा है, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आप सही चल रहे हैं ना? आप कोई परेशानी तो नहीं है? अभी फिलहाल में अभी एक बात चल रही थी, आपने बताया कि आपके हस्बैंड कह रहे थे कि कभी कभी पता लगा है कि एक दिन किया था तो ये गलत पता लगा। तो आपको पता है कि विश्वास टूट जाता है? ये गलत है, मुझे पता है। हाँ पता ना आपको, विश्वास टूट जाता है। क्या मानना है विश्वास टूट जाता है ऐसा? आपको अपने विश्वास है, पर ऐसको आपको ये तो पता ना कि विश्वास टूट जाता है? विश्वास हो जाता है। चलो ठीक है ना, बाकी आगे कोई परेशानी तो नहीं है? तो आप जो आप जैसी लड़कियां, आप जैसी औरतें जो नशे के आदि कर रही हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि जो भी लड़कियां शादी नहीं हुई है, नशे से बच कर रहने से ज़्यादा अच्छा है। इसमें सिर्फ परेशानी का जिंदगी बर्बाद होने ज़्यादा कुछ नहीं। जिंदगी बर्बाद होने लगे कुछ नहीं है और पढ़ाई बेकार, मतलब घर परिवार बर्बाद हो जाता है और इससे बीमारियां भी पैदा होती हैं। शरीर ही बेकार हो जाता है और बाद में अगर छोड़ने की कोशिश तो काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो लोग बहुत कम होते हैं जो नशे से अपने आप बाहर अकेले रह कर आए, अपने आप में हिम्मत समझ रही हूँ, खुद अकेले रह के नशा छोड़ दिया मैंने। थैंक यू। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और आप ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहो, नशे से दूर रहें। ठीक है जी, थैंक यू।